कहाँ जा रहे हैं हम वैसे? यार हम जा रहे हैं लाला के पास। अबे फैजान, कूल बॉय बनकर आ गए तुम। हाँ तुम तो ऐसा लग रहा है 6 बजे से उठे हुए हो। मैं सो गया था, इसकी कॉल पर उठा हूँ। मैं भी। तुम दोनों चाय लवर हो ना, तुम्हें मजा आएगा। चाय तो मजा आएगा, इसमें तो। बातें करते करते कुछ ही देर में हम पहुंच गए अरमुगान के फ्रेंड यानी लाला के घर। मीर फजल टाउन। क्या बात? जब हम उनके घर पहुंचे तो उन्होंने अपने लिए सुबह का नाश्ता और हमारे लिए दोपहर के खाने का एहतमाम वो करके बैठे थे। नाश्ते और खाने में अंडा पराठा, चाय, कलेजी और गोश्त का कोई सालन था, लेकिन मुझे कलेजी तो बहुत पसंद आई। अपने साथ फार्म हाउस जाते हुए हमें कुछ पौधे भी लेके जाने थे। मेरे पास अनार और चीकू है। सही है भाई, बेस्ट हो गया। बिस्मिल्लाह। यहाँ से 13-14 किलोमीटर है फार्म हाउस। रास्ते में जाते हुए हमें बहुत सी चीज़ें अलग देखने को मिली जो कि अमूमन हम शहर में नहीं देख पाते हैं, और विलेज साइड पर जाने में आपको काश्तकारी, खेतीबाड़ी रास्ते के अंदर दिख ही जाती है। तकरीबन 30 मिनट में हम पहुंच गए फार्म हाउस। तो हम पहुंचे हैं फार्म हाउस फुल गांव। क्या देख रहे हो आप, कुछ कहना है आपको? कुछ कहना है? इन सबको कुछ कहना है? ये कहना है, गांव का एहसास जो है ना, गांव में आके वो परिंदे करवाते हैं, क्योंकि परिंदों की चहकने की जो आवाज़ होती है ना, वो कानों में ऐसे आ रही होती है कि जो हमें अमूमन शहर में नहीं सुनने को मिलती। तो यहाँ पर आने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि आप वाकई किसी एक ऐसी देसी जगह पर आ गए हो। फार्म के आसपास कुछ ज़मीनें थी जिन पर फसलें भी लगी हुई थी, तो सोचा क्यों ना इनको भी एक्सप्लोर किया जाए। तो कुछ देर एक्सप्लोर करने के बाद फिर से हम पहुंचे कैटल फार्म। हेलो, आपको कुछ कहना होगा? मेरे सब्सक्राइबर्स को, कुछ व्यूअर्स को कुछ कह दें आप? अच्छा, कहना चाह, ओके समझ गया। ये तो बड़ी रात रुकेगा ना, मैं रात को 3 बजे नहीं झूले, कुदरती है यहाँ पे हिलते हैं। क्या बोल रहा है? हाँ हाँ, सीरियसली वो घूमने लग जाता है, स्लाइड पे ऐसा लगता है कोई स्लाइड। कौन सा, ये वाला झूला? हाँ। अपन यहाँ पे कब तक रुके हुए? अपन रात रुक रहे हैं। नहीं नहीं, अपन तो जल्दी जा रहे थे ना। नहीं नहीं, ये वाली चीज देखनी, 3 बजे ना खुद ही मिलना शुरू हो जाएंगे। ये तो कैप्चर करने वाली चीज है। ये कैप्चर करने में ना, वो भी हमें कैप्चर कर लेंगे। वो हमें कैप्चर कर लेंगे ना। अच्छा दूर से क्या बोलूं? हाँ दूर से हिलाकर दिखाना भाई, जरा मुझे दूर से हिलाकर दिखा। तुम्हें पता है कैटल फार्म में क्या चीज होती है? काला जन होता है। हाँ, काला जन होता है कैटल फार्म। सुना है मैंने, सुना है भाई। काला जिन तो फिलहाल आधा मैं हुआ हूँ, इधर यहाँ से यहाँ तक भाई यही है। ये तो मिल गया, ये आ गया मेरे व्लॉग में। असर की अजान सुनी तो हमने नमाज अदा की। यकीन करें, नमाज पढ़ने में बहुत सुकून मिला, क्योंकि गांव में एक अलग ही सुकून होता है, कोई शोर नहीं होता। मैंने जहाँ पर अपने शूज़ उतारे थे वहाँ पर चींटियाँ भी थीं, तो शूज़ पहनने से पहले मुझे शूज़ और सॉक्स को अच्छे से झाड़ना पड़ा। ये फार्म हाउस वगैरह चीज़ें बनाने का, देखते हैं वहाँ पे कौन कौन से हमारे पास जानवर है भाई। इस केज में क्या है? इस केज में जो है वो खाली पत्थर हैं। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। इस वाले केज में हिरन है, ये शर्मीली हिरन आई थी बाहर और भाग गई। ये भी कहीं शर्मा के चला ना जाए, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें। ठीक है, इस वाले केज का दरवाज़ा खुला हुआ है। अरमुगान तुम्हारे एक कोई भाग गया जानवर? अच्छा, ये देखें ये दोनों शर्मीले, ये देखें कैसे शर्मा के देख रहे, एक अंदर चले गया। वो देखिए शर्मा के देखते हैं भाई, अभी देखिएगा मैं पास लेके जाऊँगा ना। हेलो हेलो, इंटरव्यू।
इंटरव्यू दे दो मुझे आके, आ जाओ आओ। नो 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 नो, जर्मन शेफर्ड। देखें हमें गांव में ना हर तरीके की चीजें देखने को मिल जाती हैं। ये देखें बिल्ली के बच्चे, भाई चाय का सीन है, चाय बनाने जा रहे हैं। जब गांव आए तो गांव स्टाइल में जो है वो चाय भी होनी चाहिए। और ये जो है ये दूध रख दिया है, ये पत्ती डाल रहे हैं, टपाल मेजबान। कितनी देर लगेगी इसको बनने में यार? अच्छी तरह पकेगी तो 20 मिनट लग जाएंगे। अच्छा 20 मिनट लग जाएंगे। मगरिब हो चुकी है, अजानें हो रही हैं और अब नमाज का टाइम हो गया है मगरिब की, और अब हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने। देखिए भाई गांव आए और गांव की चीजें ना हम इस्तेमाल करें, पिए नहीं खाए नहीं, तो ऐसे मजा नहीं आएगा। तो ये जो चाय है ना वो यहीं की कैटल की जो भैंस है ना उसी ने दी है, जबरदस्ती निकलवाया था दूध से कि इनकी नहीं अलग से अच्छा से निकाल कर दो। देखिए बात तो सुनो, इस दूध को गाढ़ा करने के लिए एक चक्कर और लगवाया गया है, पता है? पहले निकाला, फिर दूध वापस से इसको पिलाया, फिर से जो निकला तो गाढ़ा होके निकला। हाँ हाँ, ये अलग से स्पेशल दूध निकाल के बनाई गई ये चाय, ये बढ़िया है ना, ये अलग से बनी है भाई, शक्ल नहीं दिखा सकता, छोड़े। वहाँ पे हमने काफ़ी इंजॉय किया दोस्तों के साथ, काफ़ी जो है वो टाइम स्पेंड किया साथ में, और अब जाने का टाइम हो गया क्योंकि रात हो चुकी है, और अब आप मेरा इंतज़ार कीजिएगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए। इंग्लैंड का झूला, वो लंदन में जो बड़ा वाला है ना, ये वही है, बस रोशन हो गया। रोशन हो गया।